एंड व्हाट्स कुकिंग द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल एंटरटेनमेंट। आइए बताते हैं, एक्सेंट को छोड़िए घर में, सीधा कंटेंट की तरफ रुख कीजिए। आई थिंक ऑनेस्टली माफ़ करने पे बिलीव करती हूँ। मैं समझती हूँ वो बदले लेने की जो भावना होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आपको कहीं ना कहीं पूरा एक दलदल में घसीट लेती है। ईश्वर की कृपा से सबके कर्म सबको भुगतने पड़ेंगे। कितने लोगों ने कहा है कि राशा आपकी जेरोक्स है? थैंक गॉड मेरे जैसे दिखती है, पड़ोसी के जैसे नहीं। आंख के बदले आंख, खून के बदले खून और धोखे के बदला धोखा। और मुझे मिला है आज मौका ये जानने के लिए कि कर्मा जब लौट कर आता है तो क्या होता है। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि राशा और रणबीर ने कहा कर्मा, ये कर ले माँ, कर ले, क्या कहना चाहिए? एक्चुअली आपने सही पकड़ा है, बिकॉज दोनों बच्चों होने के बाद काफ़ी समय तक मैंने कोई काम नहीं लिया क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दोज फॉर्मेटिव ईयर्स के एज अ मदर हमको साथ रहना चाहिए बच्चों के। तो अल्टीमेटली वन डे माई डॉटर एंड माई सन बोथ सेड, यू नो, नॉट टुगेदर बट इंडिविजुअली, कि मम्मा यू शुड स्टार्ट वर्किंग अगेन, वाई आंट यू, you know, just go ahead and now take up something. And that's when I actually seriously started taking up, and that's when I did Matra, the first film after a while. And shows or judging वगैरह तो चल ही रहा था, but actual work again which I started was with that, and वो बच्चों की वजह से था actually. ट्रेलर पढ़ा कमाल का रहा मैम, उसके बाद रिएक्शन क्या रहा, मतलब परिवार वालों का, बच्चों का क्या रिएक्शन, वो जानना चाहेंगे क्योंकि बड़ा धमाल का ट्रेलर है। राशा को तो बहुत ही पसंद आया, रणबीर ने नहीं देखा है अब तक, उसके 10th के अभी वो प्रिलिम्स, जैसे हम लोग प्रिलिम्स बोलते थे, वो मॉक्स काइंड ऑफ है, उसके हिंदी मॉक्स चल रहे हैं समय, तो वो थोड़ा बिजी है। लेकिन मेरे हस्बैंड अनिल को भी बहुत अच्छा लगा, मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगा। तो अनिल को एक्चुअली अगर अच्छा लगा मतलब पप्पू पास हो गया, मतलब पप्पू पास हो गया, बिकॉज उनकी जजमेंट काफ़ी अच्छी रहती है। पूरी नम्रता के साथ आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि नाम नम्रता, लेकिन सीरीज में ऐसा लगता है कि गिल्टी माइंड है या फिर कोई साजिश है? नहीं, इट्स ये कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है मेरे पर्सनालिटी से और गिल्टी माइंड्स के किरदार से भी। इट्स अ वेरी लेयर्ड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर क्योंकि वो बदला लेने आई है, तो शी इज़ नॉट नम्रता, शी इज़ नॉट जेंटल, बहुत ही गुस्से से वो बदला ले रही है, तो इट वॉज अ चैलेंजिंग रोल। अभी जैसे कि आपने कहा बदला लेना चाहती है मैम, बदला लेना या माफ़ करना, आप किस पे बिलीव करती हैं? आई थिंक ऑनेस्टली माफ़ करने पे बिलीव करती हूँ, बिकॉज मैं समझती हूँ वो बदले लेने की जो भावना होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आपको कहीं ना कहीं पूरा एक दलदल में घसीट लेती है। तो इट इज़ बेटर कि आप अपने कर्मों पर विश्वास रखें और आप दूसरों के बुरे कर्मों पे विश्वास रखें कि एक दिन कर्म उनको ही उनके एक्शंस की सीक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस दे देगा, तो हम अपने हाथ क्यों गंदे करें। ऊपर वाला है, देख रहा है, ईश्वर की कृपा से सबके कर्म सबको भुगतने पड़ेंगे, तो उनके बुरे कर्म वो भुगतेंगे, हम अच्छे कर्म करते जाएं, आगे देखी जाएगी। मैं ये सोचता हूँ कि आपके सबके लाइफ में टाइम आता है कि कोई आपके बारे में कुछ कह देता है या कुछ कर देता है एंड उसकी ज़िंदगी सही चल रही होती है पर आपकी ज़िंदगी इफेक्ट होती है, एंड उस टाइम पर आप सोचते हो कि कुछ हो इसके साथ, बट अगर आपने भी कर दिया तो आप में और ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। आई थिंक कि द वे आई हैव बीन ब्रॉट अप, आप सबको ट्रीट करो जैसे आपको यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड। तो आई फील कि अगर आप अच्छा करोगे कभी ना कभी वापस आएगा, बुरा करोगे कभी ना कभी वापस आएगा, तो इंस्टेंट जस्टिस शायद होना हो, इवेंचुअली आपको भुगतना पड़ेगा कुछ ना कुछ, अच्छा या बुरा। ओके ट्रेलर में आप कहती हैं कि ना कि ज़रा पता करो कि कौन है मिस तलवार, कभी ऐसे सेट पर किसी की इन्वेस्टिगेशन की है कि अच्छा ये है क्या कुछ है, मतलब कुछ भी इन्वेस्टिगेशन आपने कभी की है इस तरह से? नॉट रियली, कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि आई थिंक जहाँ तक के हम इंडस्ट्री वालों का सवाल है, सब एक दूसरे को जानते हैं और मतलब कुछ छुपी नहीं बात, आजकल तो इतनी सोशल मीडिया भी आ गई है कि सबके, आज तो हमारे तो तभी गूगल नहीं था और विकीपीडिया नहीं था, अब तो गूगल कर लो सब हो जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही है और सब डालते ही है ना स्टोरी पे, और सब दो तो अपनी जिंदगी, मैं ये खा रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये पहना हुआ है, मैं इस पत्ते के पास बैठी हूँ, ये कुत्ता मेरे से बात कर रहा है। मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी कहीं जाती हूँ घूमने या कहीं, मैं कभी भी आई नेवर पुट ऑन सोशल मीडिया मैं कहाँ हूँ उस समय। मैं 4-5 दिन बाद एक जगह से वापस आ जाऊँगी
तब डालूंगी कि हाँ इधर इधर गई थी मैं और ये किया। बात अगर सोशल मीडिया की चल रही है तो आपने एक 90 से एक दशक देखी है, बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब सोशल मीडिया के एक अलग से चीज़ है, तो साथ में दो जेन ज़ी भी हैं। आपको मतलब आपका कोई टीचर है, मतलब जो इंस्टा पे या फिर सोशल मीडिया पे किसी ने कोई सिखाने वाला बताने वाला कुछ आप शेयर करना चाहें? हाँ हैं, दो जन हैं, राशा और हेतवी, दो जन हैं जो मुझे सिखाते रहते हैं इंस्टा पे क्या करना, कैसे करना और कब करना। जब रवीना मैम सेट पे आप लोगों ने साथ में मतलब सीन्स भी हुए हैं, तो जब रवीना मैम पहली बार जब जैसे आना हुआ तो मतलब जहन में क्या चल रहा था, एक प्रेशर कि यार इनके सामने परफॉर्म करना है आप दोनों से? नहीं, वो प्रेशर था, लेकिन फॉर्चुनेटली हम लुक टेस्ट में मिले और बहुत सारी रीडिंग्स भी की थी, तो वो प्रेपरेशन हो गई थी सेट पे ऐसे पे पहुंचने से पहले। मैंने बहुत कोशिश की इन दोनों को डराने की। नहीं, डरे कुछ काम नहीं हुआ, डरे लेकिन नहीं आया, फ्लॉप हो गया प्लान में। नहीं, पर ऑनेस्टली इनसे मिलने से पहले थोड़ा डर था। मैं जब सेट पे, मुझे भी पता, बैठा हुआ था, दे वर लाइक रवीना मैम को बुलाओ, उनका शॉट है, उनकी फिर फुटस्टेप्स की फजा रही, टप इतना ड्रामची है ना ये, इसकी कुछ बात करनी जा रहा है। कुछ चीज़ें हैं यादों के झरोखों से, कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास और आप उनके बारे में यादें शेयर करेंगे। हाँ जी, तो पहली तो ये सो क्यूट, ये करवा चौथ की रात का है, तो हम लोग ऊपर टेरेस पे जाते थे और दोनों बच्चे आते थे साथ में, तो मैं ऑलवेज हर करवा चौथ पे, और मैं अपने इंटरव्यूज़ में भी बोलती थी, जब भी मैं पूजा करती हूँ मैं अपनी लिविंग, जिसे मैं कहती हूँ मेरी जो लिविंग पूज्य फैमिली है, उनको जो मुझे रोज़ इतना प्यार देते हैं और मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, सो फॉर देम साथ में हम लोग पूजा करते हैं और साथ में फास्ट तोड़ती हूँ मैं अपने बच्चों के साथ भी। सो इट्स नॉट ओनली फॉर माई हस्बैंड, इट्स फॉर माई चिल्ड्रेन एज वेल। अगर बात करें एक वीडियो की जहाँ पर वो आपकी ना वेडिंग एनिवर्सरी पे वो सजाया था पूरा, और वो मतलब यू नो फिर वो वेडिंग एनिवर्सरी पे पूरा सब रोज पेटल्स के साथ वो बात कर रहे हैं ना। करेक्ट करेक्ट, या और ये सुपर मॉम रणबीर और मैं, ये एक्चुअली वो फेज था जब मैं नहीं काम कर रही थी, बिकॉज रणबीर बहुत छोटे थे, तो इनफैक्ट रिवेंज मुझे इस दौरान भी ऑफर हुई थी। ओके, या तो मैंने मना कर दी थी, मैंने कहा नहीं अभी बहुत छोटा है, ही नीड्स मी। कितने लोगों ने कहा है कि राशा आपकी जेरॉक्स? आई नो, एक्चुअली राशा पहले अनिल की जैसे ज्यादा दिखती थी, अब जैसे बड़ी होती जा रही है तो मेरी झलक ज्यादा आती जा रही है उसमें, सो आई थिंक थैंक गॉड मेरे जैसे दिखती है, पड़ोसी के जैसे नहीं। एक आखिरी तस्वीर ही है। हाँ, ये राशा शामक के क्लासेस करती थी, तो वो उसके एनुअल, शामक जी के एनुअल फंक्शन का है, हम लोग शो देख रहे थे तब, आई थिंक ये पेपराजी ने ही खींचा था ये फोटोग्राफ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच। ABP News, आपको रखे आगे।